दोस्तों, अगर आप अहमदाबाद आते हैं और ईरानी की चाय और मस्काबन नहीं खाते तो मैं कहूँगा आप अहमदाबाद आकर आपका सिर्फ धक्का हुआ है, यहाँ गुजरात में धक्का बोलते हैं। तो अगर आप लाल दरवाज़ा शॉपिंग मार्केट आते हैं जहाँ बहुत सारी शॉपिंग करने को मिलती है, वहाँ ही पर है मस्जिद के पास ईरानी होटल, ईरानी रेस्टोरेंट। ईरानी रेस्टोरेंट में जाने से पहले दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक बुलेट खड़ी है, बुलेट राजा, जो इतने सारे हीरे जड़े हैं वो दिखा रहा हूँ। अब दोस्तों, ईरानी होटल का कुछ इतिहास 75 साल से भी पुराना है, आज़ादी से पुरानी ये होटल है। तो ये खेतलापा, ये सब तो आजकल के नेम है, आप इनको तो भूल ही जाइए। इसका टेस्ट आप पियेंगे तो दोस्तों, चाय थोड़ी महंगी है, 30 से 35 रुपये एक चाय का प्राइस है, लेकिन दोस्तों चाय का टेस्ट आप कभी नहीं भूलेंगे। मैं यहाँ पे भी जब भी मेरे जीजा जी जो हैं वो आते हैं तो हम ये चाय पीने ज़रूर जाते हैं। दूर से काफ़ी 17-18 किलोमीटर घर है मेरा, दूर है, लेकिन हम ये चाय पीने ज़रूर आते हैं। बरसों से उनकी चाय का एक ही स्टाइल है, ऐसे ही कप रकाबी में चाय मिलती है, और मस्काबन भी इनका बहुत फेमस है। हालांकि अब मस्काबन में दोस्तों पहले के मुताबिक कम मस्का होता है, वरना पहले जब मैं छोटा था, जब मस्का खाता था तो दोस्तों बहुत सारा मस्का इसमें भर दिया जाता था। और ना सिर्फ दोस्तों आप मस्काबन यहाँ खा सकते हैं, पर दोस्तों अगर आप रात को खाना खाना चाहें या सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करना चाहें तो ब्रेकफास्ट भी यहाँ मिलता है। रात का खाना और लंच तो नहीं होता है, लेकिन ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, जिसमें नॉन वेज और प्योर वेज दोनों होती है। और जिस तरह से दोस्तों आपने खेतलापा टी स्टॉल देखा होगा, उसी तरह से यहाँ पे बड़े पैमाने पर मस्काबन और चाय बहुत बड़े तपीले में, भगोने में बनाई जाती है। अच्छे से दूध को उबाला जाता है, प्योर मिल्क यूज़ किया जाता है, आयुर्वेदिक की कुछ चीज़ें इसमें डाली जाती है, इलायची है, कार्डमम है, सब कुछ मतलब डाला जाता है। तो यहाँ पर आइए और अहमदाबाद आते हैं तो इस ईरानी की चाय ज़रूर पीजिए। सामने ही बुरहानपुर की मावा जलेबी है, जिसका एपिसोड भी मैंने डाला है, वो भी दोस्तों बहुत अच्छी होती है, वो भी ज़रूर खाइए। तो मैं ईरानी को दोस्तों, ईरानी को जो बेस्ट रेड FM का थप्पा मिला है, वो थप्पा बिल्कुल सही मिला है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले सेक्शन।